26 जनवरी की परेड में रूल है कि यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर मिस्ट है वो लीड करता है परेड। तो मैंने सुना, मैं एक ही लड़की थी, बाकी 4 लड़के थे स्टेट सर्विस। तो मैंने सुना कि मिस्टर सिन्हा एक डीएसपी है, वो लीड करेंगे, वो लीड करेंगे। तो मैंने सुना कि 26 जनवरी की इस बारी की परेड ना अनिल सिन्हा लीड करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो रूल तो ये है कि आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर मोस्ट है वो लीड करता है। हाँ मैम, लेकिन सिन्हा को चुना उन्होंने। मैं अपने आईजी साहब के पास अपॉइंटमेंट लेके चली गई, पीआर राजगोपाल जब थे इंस्पेक्टर जनरल दिल्ली पुलिस। तो यस बोलो, कहते किरण क्या, व्हाट व्हाट इज इट, तुम आई हो मिलने, क्या चाहिए? ऐसे सर, मैंने सुना है कि आप अनिल सिन्हा को परेड के लिए सिलेक्ट किया 26 जनवरी की। नहीं सर, सही है क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा सर, रूल तो ये सुना था मैंने कि आईपीएस ऑफिसर लीड करता है जो सीनियर मोस्ट होता है बाय मेरिट बाय पोजीशन। हाँ। तो मैंने कहा सर, फिर मुझे क्यों इग्नोर किया गया, मुझे तो नहीं बताया गया कि ये तुम लीड करो। तो मुझे बोला किरण, तुम कर चाहोगे करोगी, कर पाओगी, क्योंकि वो लड़की थी। अब मैं लड़की थी और वो लड़का। मैंने कहा हाँ सर, क्या मैं इतनी पुलिस की ट्रेनिंग करने के बाद, आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद भी सर अभी भी मैं ये मन है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। सर मैं कर पाऊंगी, आप मुझे जिम्मेवारी दे के देखो। बोले अगर तुम कर पाओगी, तुमको पता है कि रोज 20 किलोमीटर परेड करना है अपने मोटे बूटों में, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के रोज ठंडी दिल्ली की ठंड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राजपथ में, रोज विजय चौक टू राजपथ रेड फोर्ट तक वॉक करना है तलवार को लेके, और उसके बाद कोई चूक हो गई तो दिल्ली पुलिस का नाप कट जाएगा, और रोज परेड करके फिर काम पर भी करना है क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी हो चुकी। मैं करूंगी, आप देखो। सो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा हाँ तुम जाओ करो। अब आई बात, ना मैं कहती मुझे ना मिलता, ना मैं रिस्क लेती ना मुझे मिलता, ना मैंने अपनी हिम्मत दिखाती ना मुझे मिलता, ना मेरे में कॉन्फिडेंस है ना मुझे मिलता। अब मैं ये बताना चाहती हूं कि ये आई कहां से, क्या ये हिम्मत, क्या ये हिम्मत, क्या ये इनर कॉन्फिडेंस, क्या ये स्टेमिना, क्या आत्मविश्वास, ये क्या अब आया 25 साल की उम्र में, क्या ये आया 30 साल की उम्र में? नहीं। मुझे क्या गिफ्ट मिली भगवान से? माँ बाप। ऐसे माँ बाप मिले जो दूरंदेशी थे। अगर आपको गिफ्ट मिल गई है माँ बाप, और दूसरी गिफ्ट मुझे क्या मिली, तंदुरुस्ती। माँ बाप मिले, घर मिला, तंदुरुस्ती मिली।